हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोज में हमने आपके साथ डिस्कस किया था इफ कंडीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऑन टेक्स्ट। आज हम बात करेंगे इफ कंडीशंस के कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले के बारे में। तो हम चलते हैं गूगल ड्राइव में और यहां से अपनी फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ लास्ट टाइम हमने ये चीजें डिस्कस की थी, तो इंसर्ट के फंक्शंस में हम लॉजिकल फॉर्मूले पे हैं। तो लॉजिकल फॉर्मूले में हमने अभी तक जो फॉर्मूले इफ किए हैं, अब इफ एरर फॉर्मूले हैं, इफ एन है, इफ्स फॉर्मूले हैं। चलिए इन सारे फॉर्मूले को हम एक बार देखते हैं। तो ऊपर से आते हैं एंड। एंड फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था कि दो या दो से ज्यादा टॉपिक हो तो एंड का यूज करते हैं। एक आता है आपका बी आई बिट एंड, इसके बाद आता है बिट्स एलसिप्ट, बिट टॉर। ये जो फॉर्मूले हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इंसर्ट के अंदर फंक्शन में हम बात कर रहे थे लॉजिकल फंक्शन की। लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले एंड जो कि मैं बात कर चुकी, अब आता है बिट एंड। देखिए, बिट एंड को समझने के लिए आपको बाइनरी फॉर्मेट को समझना होगा कि हर नंबर का एक बाइनरी फॉर्मेट होता है। तो बिट एंड भी उसी तरह से होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मेरे पास इसको जूम करता हूँ, मैं 200% कर लिया। मैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बिट एंड लगाया, तो बिट एंड में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया 10 और कॉमा दिया 9, तो रिजल्ट जो आएगा वो 8 आएगा। अब रिजल्ट 8 कैसे आए? अब रिजल्ट 8 आने के लिए आपको इस फॉर्मूले का हेल्प को देखना जरूरी होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और लल मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आखिर इसकी क्या है। जैसे यहाँ देखिए कि अगर पहला नंबर 0 है, 0 तो 0 होगा, अगर पहला 0 है तो 1 है तो 1 होगा। 0 है क्या? देखिए, सबसे पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ए आपका नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ इसमें दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बिट एंड में 10 और 9, जैसे कि मैंने लिया हुआ है और रिजल्ट डेट आया। क्यों आया? देखिए, जो 10 है वो 10 डेसिमल है, लेकिन बाइनरी में क्या होता है 1010, और 9 डेसिमल है तो बाइनरी में क्या होता है 1001। तो अब जैसे कि ऊपर दिया हुआ है 000 होगा, 111 होगा, 000 होगा, 111 होगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इसने किया, इसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 1000, जिसका डेसिमल फॉर्मेट 8 होता है, इसलिए रिजल्ट 8 आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे डिटेल में, क्योंकि मैंने इसको अपने ऑफिस में कोई यूज नहीं किया है। फॉर्मूला कैसे करता है ये बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फॉर्मूला का ऑफिशियली यूज क्या है, बहुत कम जगहों पे इसका यूज होता होगा सर। जैसे बिट एंड है, ऐसे हमारे पास आता है अपना बिट और। बिट और भी सेम 9 और 5 के अकॉर्डिंग चलता है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका भी सेम आपको ये 000 हुआ। अब इसमें से कोई भी एक होगा तो 1 होगा, और 011 होगा, और 111 होगा। तो अगर यहाँ पे अगर लेते हैं 9 और 5 बिट और में, तो 9 में 001 और 5 जो होगा 0010, इसका 0101 होगा, इसका जो ये आएगा रिजल्ट आएगा बाइनरी में आएगा 1001, जिससे 13 इसका रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको 13 आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे 9,5 देता हूं तो। उस तरह से एक्स और भी है। अब एक्स और क्या होता है? एक्स और फॉर्मूला अच्छी फॉर्मूला है, देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको ट्रांसफर लेना है, तो ट्रांसफर में आपको दो सिटी में से कोई एक चूज करना है, दिल्ली या फिर चूज करना है नोएडा। दिल्ली और चूज करना है नोएडा। अब दोनों आप दोनों चूज नहीं कर सकते, मुझे यहाँ स्टेटस शो करना है, दोनों चूज नहीं कर सकते, कोई एक कर सकते हो, दोनों को ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप एक्स और फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और बोला कि इक्वल टू वाई,
और फिर वापस हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई। अब यहां पे देखिए फॉल्स आ रहा है। अगर मैं नोएडा में वाई कर दे दूं तो ट्रू आएगा, अगर नोएडा दिल्ली दोनों वाई कर दूं तो भी ट्रू आएगा, दोनों ब्लैंक कर दूं तो फॉल्स आएगा, दिल्ली कर दूं तो यहां पे ट्रू आएगा। एक्स और, अब जैसे एक्स और है उसी तरह से आपके पास बिट एक्स और है, बिट एक्स और उसी तरह से भी वर्क करता है, लेकिन इसका कोई खास यूज है नहीं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंसर्ट के फंक्शन के लॉजिकल वाले कैटेगरी में, तो लॉजिकल वाले कैटेगरी में हमने एक और फॉर्मूला है बिट एल शिफ्ट, बिट एल शिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगर 1500 दिया और जीरो दिया तो रिजल्ट 1500, ये आपका लोकेशन बताता है, पोजीशन बताता है आगे की तरफ। जीरो देंगे तो 1500, ऊपर में देखिए 1500 का रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 200, अगर 3 कर दूं तो मल्टीप्लाई होके 12,000, 4 कर दूं तो मल्टीप्लाई होके 14,000 चलाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें बिट आर शिफ्ट का, बिट आर शिफ्ट भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है, लेकिन वो रिवर्स करता है। जैसे हमने 10 लिया और 10 को हमने 0 किया तो 10 दिखेगा, लेकिन 1 करेंगे तो 5 दिखेगा, एक घट जाएगा। 2 करेंगे तो ये आपको 2 दिखेगा, 2 पॉइंट समथिंग दिखेगा राउंड में। देखिए ये आपका बिट आर शिफ्ट है। बिट आर शिफ्ट के बाद आगे चलते हैं इसमें फंक्शंस में लॉजिकल में, तो यहां हमारे पास जो फंक्शन है वो आपका हमने एक और के बारे में बात ही करी, बिट और के बारे में बात भी कर ली, बिट आपका एक्स और बताया आपको मैंने। अब आता है गेट स्टेप। गेट स्टेप में देखिए गेट स्टेप फॉर्मूला भी कोई खास फॉर्मूला नहीं यूज होने वाला, लेकिन यहाँ पे देख लेते क्या होता है गेट स्टेप। अब यहाँ पे कोई भी नंबर डालते कोई भी स्टेप देते हो रिजल्ट आपका 1 आएगा, 1 आएगा, माइनस में होगा तो 0 आएगा, सिंपल सा है इसका यूज। अब इसमें जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है इप्स का। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के लिए इतना लंबा फॉर्मूला कई सारे इफ का इस्तेमाल किया था। अब इसको इफ्स की मदद से हम इसको बड़ी ईजली कर सकते हैं, इफ की मदद से हम इसको बहुत ही ईजली कर सकते हैं। देखिए आई इफ्स, इफ्स फॉर्मूला हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें बताना होता है कि यहाँ देखिए इस पे क्लिक कर जाएगा, यहाँ पे कंडीशन वैल्यू, यहाँ पे कंडीशन वैल्यू 1, कंडीशन वैल्यू 1। तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 40 है तो आए सी ग्रेड। फिर कंडीशन टू, अब मुझे इफ दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम रिजल्ट देंगे और एक लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो यहां पे आए बी ग्रेड। ऐसे ही अगेन हमें दोबारा इफ देने की जरूरत नहीं है, बस हम कंडीशन वैल्यू डालते चले जाएंगे कि 95 है तो यहाँ पे ए ग्रेड आए। ऐसे आगे करते चले जाइए और फिर एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये इफ्स का फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला इफ एरर का भी होता है। इस तरह का फॉर्मूला हम एक्सेल में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है और मैं इसको डिवाइड कर देता हूं जीरो से तो एरर आएगा। ऐसे अगर हमने कोई गलत फॉर्मूला लगा दिया तो नेम का एरर आएगा। ऐसे बहुत सारे एरर आएंगे। तो आप चाहते हैं कि अगर फॉर्मूला एरर आए इसके जगह पे कुछ मैसेज दिखे, उसके लिए हम यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला देते हैं। इफ एरर, इफ एरर फॉर्मूला में हमें पहला अपनी कैलकुलेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है, दूसरा आप क्या देना चाहते हो उसके एरर के जगह पे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नॉट डिवाइड जीरो, तो जब भी एरर आएगा तो नॉट डिवाइड बाय जीरो आएगा। अगर यहाँ पे एरर नहीं आया, रिजल्ट आया, जैसे मैंने 5 कर दिया तो फिर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा। इसी में एक आता है इफ एन में। अब क्या है कि इफ एरर जो है हर तरह के एरर को रीड कर लेता है, लेकिन इफ एन ए एरर सिर्फ एन ए एरर को ही रीड करता है।
आप चाहते हैं कि बाकी एरर को कुछ ना करें, सिर्फ इस एरर को ही, सिर्फ एनने वाले एरर जो आते हैं, जो वीलुकअप वगैरह में जो एरर आते हैं, उसी एरर को रीड करें, तो हम यूज करते हैं इफ एनने का। अब इसके बाद अगला जो फॉर्मूला आता है वो आता है स्विच का। स्विच स्विच में अब जैसे कि ये भी मल्टीपल इफ के जगह पे इसका यूज कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है, मैं चाहता हूँ 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूजडे, इस तरह का हम कुछ चाहते हैं तो इसके लिए हम स्विच यूज कर सकते हैं। स्विच स्विच हमने अपना ले लिया। अब यहां पे देना होता है केस वन, तो केस वन में अब यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते ग्रेटर देन 50, ऐसा करेंगे तो ये गलत हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको नंबर देना होगा, मतलब कि इक्वल एग्जैक्ट, हम लोग कि 1 हो तो यहाँ पे 100 आया, फिर हमने बोला कि 2 हो तो यहाँ पे 50 आया, फिर बोला 3 हो तो यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे 10 आया। इस तरह का नंबर और कंडीशन आप दे सकते हैं। 5 दे दिया हमने, यहाँ पे 1 दीजिए, रिजल्ट आ गया, 2 दीजिए, 3 दीजिए, दीजिए, तो रिजल्ट आपको स्विच जो दे देगा। मतलब कि यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन सेलेक्ट कीजिए, देन कंडीशन 1, देन कंडीशन कंडीशन 2, कंडीशन 3, बट इसमें आप ग्रेटर देन इक्वल वगैरह का यूज ना करेंगे। तो फंक्शन में लॉजिकल्स में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास, हाँ हमने बात कर ली इफ्स की, बात कर ली नॉट ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है, हमने स्विच के बारे में बात करी, 100 के बारे में बात की, तो लॉजिकल कैटेगरी हम यहाँ पे खत्म कर दिए। आप आपको पूरी डिटेल्स की वीडियो जो है मेरी चैनल पे नहीं मिलेंगे, मेरे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे। आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थैंक यू।